प्रस्तुत पाठ में गुरु दक्षिणा पर आधारित कुछ श्लोक दिए गए हैं, जिन्हें महाकवि कालिदास जी द्वारा रचित महाकाव्य रघुवंश से लिया गया है। गुरु दक्षिणा शब्द प्राचीन भारतीय अध्ययन अध्यापन परंपरा का पारिभाषित शब्द है, न कि पुरोहितों से जुड़ा शब्द। विद्या के पूर्ण होने पर शिष्य गुरु को दक्षिणा समर्पित करता था। शिष्य को प्राप्त विद्या की सार्थकता का अनुभव गुरु दक्षिणा समर्पित करके ही होता था। प्रस्तुत पाठ में दक्षिणा चाहने वाले कोच तथा देने वाले महाराज रघु की उच्च भावना का वर्णन है। याचक मांगने वाला आवश्यकता से अधिक नहीं लेना चाहता, पर दाता सब कुछ देना चाहता है। महाकवि द्वारा इन श्लोकों में उसी यदात्व भाव का सुंदरता से वर्णन किया गया है। विश्वजीत यज्ञ की दक्षिणा में दिए गए दान के कारण जिसका खजाना रिक्त हो गया था, उस रघु के पास विद्या पूर्ण होने पर गुरु दक्षिणा के लिए वरतंतु के शिष्य कोत्स आए। निर्चल व्यवहार वाले यशस्वी और अतिथि सेवी रघु सोने के पात्रों के अभाव में मिट्टी के पात्र में अर्घ्य लेकर कोत्स अतिथि के पास आए। आप जैसे पूज्य के आगमन मात्र से मेरा मन संतुष्ट नहीं हुआ है, मैं गुरु की आज्ञा से दान का क्रम करने के लिए उत्सुक हूँ। क्या आप स्वेच्छा से मुझे कृतार्थ करने के लिए वन से यहाँ आए हो? अर्घ्य पात्र से यज्ञ में हुए खर्च को व्यक्त करने वाले रघु की उदार वाणी को सुनकर वरतंतु शिष्य कोत्स अपनी कार्य सिद्धि के प्रति निराश होकर रघु से बोले, समस्त विद्याओं को पढ़ने के बाद मैंने गुरु वरतंतु से गुरु दक्षिणा की प्रार्थना की और उन्होंने नियम पूर्वक की गई उनकी सेवा को ही श्रेष्ठ दक्षिणा माना। बार बार आग्रह करने पर क्रोध से गुरु वरतंतु ने मेरी गरीबी का विचार न करके मुझे कहा कि 14 विद्याओं की संख्या के मान से 14 करोड़ मुद्रा मुझे दो। शास्त्रों में पारंगत गुरु के लिए गुरु दक्षिणा चाहने वाले रघु के पास इच्छा पूर्ण न होने पर अधिक दान देने वाले दूसरे दानी के पास गुरु को जाना पड़ा। इस प्रकार की निंदा का मैं पात्र नहीं बनूं, रघु बोले। ब्राह्मण कोत्स ने प्रसन्न होते हुए सत्य प्रतिज्ञा को स्वीकार किया और तब रघु ने भी पृथ्वी को सारहीन व्यर्थ समझकर कुबेर से धन लेने की इच्छा की। रघु ने युद्ध के लिए चढ़ाई किए जाने वाले कुबेर से प्राप्त वज्र से काट कर गिराए। सुमेरु के टुकड़े के समान चमकती हुई सुवर्ण राशि कोत्स को दे दी। वे दोनों ही दाता और याचक अयोध्या निवासियों के लिए अभिनंदन के पात्र बन गए। गुरु दक्षिणा से अधिक न लेने का इच्छुक याचक कोत्स और याचक की कामना से अधिक देने का इच्छुक दाता रघु।